हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी स्टार्ट क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। और आगे हमने चैप्टर नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 24, दिस एंड दैट। व्हाट डू मीनिंग बाय दिस एंड दैट? द दिस मीनिंग यह एंड दैट मीनिंग वह। तो अब आप सोचेंगे कि दिस क्या है, तो चलो मैडम ने उसका मीनिंग तो बता दिया, पर यूज़ कहाँ पे होगा वो? तो कि यूज़ कहाँ पे होगा, तो कि जो चीज़ हमारे नज़दीक हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। और जो हमारे पास ना हो और हमारे से थोड़ी दूर हो तो हम यूज़ करते हैं दैट। ओके, और दीज कितनी चीज़ होती है तो यूज़ होता है, तो कि कितनी बार कोई एक वस्तु होती है, तो कि जो एक ही चीज़ के बारे में बताया गया हो, कोई एक पर्सन के बारे में बताया गया हो, कोई चीज़ के बारे में बताया गया हो, तो हम करते हैं दीज का यूज़। और डेट का भी यूज़ इसी तरह से, दूर आपसे दूर कोई चीज़ हो, कोई चीज़ें पड़ी हो, एक ही हो, डॉग, स्क्वेरल एक्सेट्रा, तो आप यूज़ करेंगे दैट। ओके, और इसको बोलते हैं क्या, सिंगुलरल। मीन्स व्हाट? एकवचन। कोई एक ही वस्तु के बारे में बताया जाए तो हम यूज़ करते हैं दिस एंड दैट का यूज़। तो दिस का यूज़ करते हैं नज़दीक के वस्तु के बारे में बताया जाए तो, और दैट का यूज़ करते हैं दूर, हमारे से दूर हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दैट। और उसके नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 25 में हम देखें कि दिस का प्लूरल मीन्स व्हाट? बहुवचन। दोज, THOSE, दैट का होता है और दिस का होता है प्लूरल, दिस, दीज, THESE। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, तो पहले देखते हैं, यहाँ पे आपको एक गोरिल्ला का पिक्चर और एक स्क्वेरल का पिक्चर दिया है, और एक बॉय है वो उसकी उंगली से उस गोरिल्ला को बताता है, और यहाँ पे भी आपको एक फिंगर दी कि मीन्स व्हाट, कि ये दिस वाला सेंटेंस है और ये उंगली दैट वाला सेंटेंस है। ओके, तो इस बच्चे की उंगली एकदम नज़दीक है गोरिल्ला से, तो ये नज़दीक हो गई, चीज़ें नज़दीक हो गई ना, गोरिल्ला नज़दीक है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, दिस। तो कि दिस इज अ गोरिल्ला, और यहाँ पे इस बॉय की उंगली स्क्विरल से बहुत दूर है, तो स्क्विरल तो पेड़ पर होती है, तो वो बोलता है कि वह स्क्विरल है, मीन्स व्हाट, दैट इज अ स्क्विरल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वी यूज दिस द वैन अ टोक समथिंग विच नियर बाय। नियर मीन्स व्हाट, जो कि नज़दीक, नज़दीक में जो कुछ हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस, और वी यूज दैट वैन वी टोक समथिंग विच फायर अवे। फेयर अवे मीन्स व्हाट, जो कि दूर हो, कोई दूर हो तो हम यूज़ करते हैं दैट। अब एक्सरसाइज देखते हैं, राइट, दिस इज अ डिस डिस डिस, आपको दिस इज अ लिखना है, फिर पिक्चर पहचान कर उसका वर्ड लिखना है, फिर दिया है ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द बॉय, क्लोज मतलब नज़दीक, उस दिस इज यूज, दिस इज अ, तो उसका यूज़ में आपको जो बॉय है उसके एकदम नज़दीक, क्लोज एकदम नियर बाय, मतलब उसके पास वो चीज़ है वहाँ पे हमें लिखना है दिस इज, एंड राइट दैट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज द फायर फ्रॉम द बॉय, मतलब फायर फ्रॉम द बॉय मतलब फेयर का मतलब दूर, और इस बॉय के जो दूर हो कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट इज। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर का लिख कर दिया है थोड़ा दैट दिस। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बैग है और एक बॉय है, तो वो क्या बोलता है कि दिस इज अ डैश डैश डैश, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, मैंने यहाँ पे आपको आंसर लिख कर दिया है, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दूंगी, ब्लैंक होगी उसमें आपको आंसर कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में भेजना है। ओके, तो फर्स्ट है दिस इज अ, तो उसकी आप उंगली देख सकते हैं एकदम बैग के नज़दीक है, मीन्स क्लोज है एकदम, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस है, आप देख सकते हैं दिस इज अ बैग, तो यहाँ पे से आपको वर्ड ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है पिक्चर को पहचान कर। फिर नेक्स्ट क्या है, तो कि ट्रक है, क्या है ये, ट्रक है,
तो कि यहाँ पे देट लिख कर दिया है। चलो देट क्यों लिख कर दिया है, यहाँ पे देट इज और ट्रोखे बेगे उसके सब के आगे ए लगता है, आपको पता है ना। हाँ, और वोवल स उसके आगे हम लिखते हैं ए एन, वो आगे हमने चैप्टर देखे थे। तो यहाँ पे देट इज अ क्यों लिखा है, तो कि ट्रक दूर है, तो लड़का क्या बोलता है, वह ट्रक है, तो यहाँ पे आएगा देट, इसीलिए देट दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं पेज, देट इज अ बुक, तो चलो यहाँ पे मैंने देट इज अ क्यों लिखा है, और बुक तो यहाँ पे है तो इसीलिए हम लिख देंगे ए बुक। यहाँ पे आपको बुक दी गई है, ए वाले बुक, यहाँ पे आपको बुक दी है, हमने लिख दिया है बुक। बट यहाँ पे मैंने देट इज क्यों लिखा, क्योंकि देट इसीलिए हमने लिखा कि उस बॉय के एकदम दूर है, नज़दीक नहीं है, इसीलिए देट का यूज़ किया हमने। फिर फोर्थ पिक्चर में क्या है, तो फोर्थ पिक्चर में एक डॉग है, तो कि डॉग एकदम नज़दीक है, आप देख सकते हैं एकदम इस बॉय के क्लोज है, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे दीज। और सभी चीज़ें एक एक ही बताई गई है, दो दो चीज़ें आपको कहीं भी नज़र आ रही है, हाँ वेरी गुड, नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे दीज डेट का यूज़ करते हैं। ओके, प्लूरल में हम दीज एंड दोज का यूज़ करेंगे, चीज तो सेम ही रहेंगे, दूर हो तो दीज, नज़दीक हो, नज़दीक हो तो दीज एंड दूर हो तो देट, पर प्लूरल में आएगा थोड़ा डिफरेंट। फिर एक फ्लावर दिया है, तो दिस इज अ फ्लावर, चलो यहाँ पे दिस क्यों हमने लिखा, तो कि उसके बॉय के एकदम नज़दीक है फ्लावर, वो बताता है कि यह फूल है। फिर देट इज़ अ ट्री, तो कि ट्री उसके एकदम दूर है, देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, देट, देट इज़ अ ट्री, मतलब वह पेड़ है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 25, तो कि दीज, तो टी एच आई एस, चैप्टर नंबर 24 में हमने देखा था ना, उसका प्लूरल क्या होता है, दीज, और जो देट देखा था उसका प्लूरल होता है दोज, मतलब एक चीज़ें नहीं, ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ें हो, तो हम यहाँ पे दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो नज़दीक होगा वहाँ पे दिस, और दूर होगा वहाँ पे डेट का दोज यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एक बुक्स में एक फिंगर दिया है, और यहाँ पे एक बास्केट दिया है, और यहाँ पे उंगली बताती है कि दिस का सेंटेंस है और ये है दोज का सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे वही क्या बोलता है कि दिस आर फिंगर, यहाँ पे एक फिंगर की बात नहीं करी जा रही है, फिंगर्स लिखा है, फिंगर्स मीन्स व्हाट, एक से ज़्यादा उंगलियों की बात की जाती है, तो कि यह उंगलियाँ है, देख सकते हैं आपको पांच उंगलियाँ बोला है। यहाँ पे मैं इस तरह से बोलूँ कि टी एच आई एस वाला, दिस आर फिंगर, तो एक यह एक उंगली है, यह उंगली है, यहाँ पे फिंगर्स लिखा है, तो वर्ड्स मीन फिंगर्स, तो मतलब उंगलियाँ, यहाँ पे एक से ज़्यादा है इसीलिए। फिर यहाँ पे बास्केट दिया है, तो यहाँ पे क्या आया, दोज, दोज क्यों आया, तो कि देट में, देट हम कहाँ पे यूज़ करते थे, जो चीज़ें दूर हो बट एक ही चीज़ के बारे में बात की जाए तो देट, और यहाँ पे एक से ज़्यादा वस्तु की बात की जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, दोज, देट का दोज, प्लूरल में, सिंगुलर में देट। तो यहाँ पे देखो चीज़ सब भी बास्केट है बोल, वो एक बच्चे से बहुत दूर है, तो यहाँ पे आप सोचेंगे देट क्यों मैम ने यूज़ नहीं किया, तो कि यहाँ पे हम देट यूज़ नहीं करेंगे, देट का प्लूरल मतलब बहुवचन होता है दोज, एक से ज़्यादा है ना बास्केट, तीन बास्केट है, एक होता है तो हम देट इज बास्केट बोलते, पर यहाँ पे जो ज़्यादा है तो हमने बोल दिया देट दोज आर बास्केट्स। और हाँ, इज़ का यूज़ भी कोई एक ही चीज़ के बारे में बताया चाहे, बताया चाहे तो हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताया चाहे तो हम आर का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, आर का। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वी यूज़ दिस व्हेन अ टॉक थिंग्स विद द नियर बाय एंड मेनी इन नंबर, नियर बाय मीन्स व्हाट, तो कि नज़दीक हो, और एक से ज़्यादा, मेनी मीन्स ज़्यादा, तो कि ज़्यादा नंबर हो, ज़्यादा
कुछ चीज़ें हो तो यहाँ पे आप दीज का यूज़ कर सकते हैं, दीज, THESE वाला दीज। फिर वी यूज़ दोज व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग्स विच आर फेयर वे एंड मेनी इन नंबर। फिर डेट का दोस हो गया तो यहाँ पे आप दोस का यूज़ कर सकते हैं, दूर हो वही चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हम डेट में करते थे, पर यहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ें हैं इसीलिए दोस का यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज देखते हैं, राइट दिस आर इफ द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोज टू द बॉय। यहाँ पे दिस आर का यूज़ आपको कहाँ फिर करना है तो कि जो चीज़ें नज़दीक हो बट यहाँ पे एक से ज़्यादा हो तो दीज आर, एंड राइट दोज आर इफ द ऑब्जेक्ट्स आर फेयर फ्रॉम द बॉय। और दोज आर का यूज़ होगा कि जो चीज़ें दूर हो, मतलब दूर हो पर एक से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे दोज आर, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट बिलो। तो चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट बिलो। यहाँ पे आपको इस ओवल शेप में सभी के वर्ड्स क्या वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे हमें सेंटेंस के पिक्चर देखकर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में आपको रेड कलर का लिख कर दिया है, दीज आर एंड दोज आर। तो देखते हैं पहले पिक्चर में दीज आर लिख कर दिया है। चलो दीज आर क्यों लिखा है यहाँ पे, तो कि उस बॉय के एकदम बाजू में ये बलून है इसलिए। अब चलो यहाँ पे बलून्स लिखा हमने, बलून्स क्यों लिखा, एन के पीछे एस क्यों लिखा, तो कि यहाँ पे एक बलून की बात नहीं की गई है, एक से ज़्यादा बलून है तो एक नहीं है, तो यहाँ पे कितने बलून है, तीन बलून है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखे बलून्स, दीज आर बलून्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दोज आर स्टार्स, तो यहाँ पे दोज आर क्यों लिखा है, तो कि उस बच्चे के एकदम दूर है, तो दूर है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दोज, मतलब वे स्टार है और स्टार्स लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार की बात नहीं की गई है, यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टार है, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखो कितने स्टार है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक स्टार के बारे में बात नहीं की गई है इसीलिए हमने लिख दिया स्टार्स, एक से ज़्यादा है इसीलिए, तो ढेर सारे स्टार यहाँ है, तो कि वे तारे हैं। तारा क्यों बोलते हम, तारा कहाँ पे बोलते, तो कि एक तारा बताया होता तो हम बोलते तारा, और यहाँ पे तो आपको कितने भी कितने सारे दिखाए गए हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, स्टार्स। और दोज धेट भी हम कहाँ पे यूज़ करते थे, दूर चीज़ हो वहाँ पे यूज़ करते थे, और उसका प्लूरल मतलब बहुवचन हो गया, तो कि बहुवचन मीन्स वर्ड, तो कि एक से ज़्यादा चीज़ें हो वो, तो दोज आर स्टार्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, और सब पी के ब्रैकेट्स में आपको आंसर दिए गए हैं, ओके। थर्ड वन, दोज आर कैंडल्स, तो चलो यहाँ पे मैंने दोज क्यों लिखा, तो कि धेट का होता है दोज और धेट का सेम आंसर आता है, ज्योति से दूर हो इसमें, बट यहाँ पे एक कैंडल्स की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे एक से ज़्यादा कैंडल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैंडल्स एंड दोज लिखेंगे, मतलब कि वे मोमबत्तियाँ हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या है, सॉरी फोर्थ नंबर पे, दीज आर पेंसिल, तो चलो यहाँ पे मैंने पेंसिल क्यों लिखा, और यहाँ पे आपको पेंसिल लिख कर ही दिया है, ओके। आप देख सकते हैं पेंसिल आपको यहाँ पे लिख कर दिया है, तो इस बॉय के एकदम टेबल के नज़दीकी सभी पेंसिल है, तो क्या बोलेगा कि दीज आर पेंसिल, कि यह ये पेंसिल है, यहाँ पे दोज यूज़ नहीं होगा कि वो एकदम उसके नज़दीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, तो फिफ्थ नंबर पे क्या है, तो कि दीज, तो चलो यहाँ पे भी दीज आया, तो यहाँ पे दीज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी उस बॉय के एकदम टेबल के नज़दीक सभी एप्पल्स हैं, तो एप्पल क्यों नहीं हमने लिखा यहाँ पे, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसीलिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, एप्पल्स, ए डबल पी एल ई लिखेंगे, उसके पीछे लिख देंगे एस, और यहाँ पे आपको पेंसिल के पीछे भी एस लिख देना है, ओके, पेंसिल्स। तो यहाँ पे दीज आर एप्पल्स, ये सेब है। अब देखते हैं सिक्स नंबर का, तो दोज आर बर्ड्स, तो यहाँ पे दोज आर बर्ड्स क्यों लिखा मैंने, तो सोचो चलो दोज क्यों यहाँ पे यूज़ किया, तो कि यहाँ पे इस बच्चे से बहुत दूर पंछी है, बर्ड्स को आप
टच कर सकते तो कि वो तो बहुत ऊपर होते, तो हम बोलते हैं ना वे चिड़िया है, तो आप क्या बोलेंगे वे चिड़िया है मतलब एक से ज़्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे दोज आर स्पेरोज, स्पेरोज। वन चिड़िया होती तो हम क्या बोलते, दूर होती तो कि देट इज़ अ स्पेरो, वे वह चिड़िया है। और यहाँ पर तो आपको ज़्यादा एक से ज़्यादा चिड़िया के बारे में, बर्ड्स के बारे में बात की गई है और वो भी दूर है, तो दोज आर बर्ड्स। ओके, आई होप कि आई एम एक्सप्लेन एंड यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको यहाँ पे जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ में ना आए तो। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 24 एंड 25 कंप्लीट करते हैं। और आपको यहाँ पे पेंसिल के पीछे एक एस लिख देना है, तो कि आपको यहाँ पे एल लिखा था, एस लिख कर नहीं दिया था इसीलिए। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करना है और अपनी वर्क बुक, मैथ्स की सॉरी इंग्लिश ग्रामर बुक में लिखना है। और एग्ज़ाम की अब प्रिपरेशन भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब भी आपके मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है इसीलिए। ओके, चलो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।